चैप्टर 5 की कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, ऐसे होती है हमारी रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह की कहते हैं अरेंजमेंट हो, लेकिन इसके साइडों में क्या हो? ब्रैकेट्स हो, ठीक है। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, एक ऑर्डर हो और ब्रैकेट्स में इनक्लोज हो, जैसे ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज एम रोज, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें एम रोज, एम से मुराद वन भी हो सकता है, टू थ्री कितनी भी हो सकती है, और एन कॉलम हो, तो उनका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, अब इसमें रोज कितनी है? वन टू थ्री, तो ये एम थ्री आ जाएगा, और कॉलम भी कितने हैं? थ्री, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा? थ्री बाय थ्री। इसका ऑर्डर क्या होगा? रोज टू है, कॉलम थ्री है, तो टू बाय थ्री। रो वन है, कॉलम थ्री है, वन बाय थ्री, ठीक है। आगे है रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, अगर एक ही रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। आगे कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। मतलब इसमें देखें दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। वो वाला मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ना हो, वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे ये मैं बनाता हूँ 1 0 0 1, अब इसमें टू ही रोज हैं और टू ही कॉलम है, तो ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी रोज और कॉलम बराबर हों, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अलावा सारे ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स कौन सा जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हों, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम हों, तो वो क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल वाले एलिमेंट वन वन हों, तो वो क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स हूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन और बाकी जीरो होना चाहिए। नल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, तो वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल, सेम ऑर्डर हो तो वो क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। देखें इसमें भी तीन ही रोज हैं, तीन कॉलम, इसमें भी तीन रोज और तीन कॉलम हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रोज में कर दें, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ट्रांसपोज क्या होगा फिर? एम क्रॉस एन इसका उल्टा हो जाएगा। ये देखें, रोज थी कॉलम बना दिया, रोज था कॉलम बना दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हों, उसको अगर हम डिटर्मिनेंट लें, तो उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होता है। अगर एक मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और फिर ट्रांसपोज लें, तो वापस वही आ जाते हैं। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर ये एक मैट्रिक दिया गया है, इसको हम ट्रांसपोज लें तो उसी के बराबर हो जो पहले था, तो वो होता है सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज लें और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, फिर वो मैट्रिक्स वापस आए, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आगे एडिशन है, तो ये इसके आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है।